खानाखिलाना.com में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं शालिनी आज आपके लिए लाई हूँ गोभी की कचौड़ियाँ। यूँ तो दोस्तों सभी के घरों में कचौड़ियाँ बनती हैं और कई तरह की बनती हैं, लेकिन गोभी की कचौड़ी कुछ ज़्यादा ही खास होती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप फूल गोभी, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। हरा धनिया है बारीक कटा हुआ। 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसे भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। सूखा पिसा हरा धनिया, लाल मिर्च, नमक, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा ऑयल है और 2 टेबलस्पून मैंने सूजी ली है और हींग ली है। ये सारे सूखे मसाले मैंने 1/2 टीस्पून लिए हैं। और अब मेरे पास और है 2 कप मैंने लिया है गेहूं का आटा, और आटे को गूंदने के लिए पानी है और तलने के लिए तेल है। चलिए सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं। आटे में मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून के करीब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। सूजी दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल को अच्छे से आटे में मिला लीजिए और सूजी में। अब पानी की सहायता से हम आटा गूंद लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, बहुत कड़ा भी आटा नहीं लगाना और बहुत मुलायम भी नहीं लगाना है, जैसे रोटी के लिए लगाते हैं, क्योंकि इसमें सूजी पड़ी है वो थोड़ी देर में इसको आटे को वैसे ही टाइट कर देगी। आटा मर गया है, अब हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको ग्रीस कर लेंगे। इसको आधे घंटे के लिए हम इसको ढककर रख देंगे। थोड़ा सा इसको जब तक रेस्ट करेगा तब तक हम अपने गोभी की तैयारी कर लेते हैं। कचौड़ी की फिलिंग बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें तेल डालने की, मैंने 2 टेबलस्पून डाला है। थोड़ा सा ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हींग डालेंगे, जबकि वह हींग काफ़ी है। अदरक थोड़ा सा भून लेंगे इसको। हम इसमें ये गोभी डाल देंगे जो हमने कद्दूकस करके रखा हुआ फूल गोभी। नमक डालेंगे, नमक का याद रखिएगा कि हमने आटे में भी डाला हुआ है, इसलिए हम थोड़ा ही डालेंगे। धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, सबको अच्छे से डालकर भून लेंगे। मैंने गोभी को बहुत अच्छे से धोया था 3-4 बार, उसके बाद जब इसको कद्दूकस किया और उसको फिर मैंने स्ट्रेनर में रख दिया, जो इसका एक्स्ट्रा पानी है जिससे वो सारा निकल जाए। और अगर थोड़ा बहुत बच भी गया होगा पानी इसमें, तो वो जब हम इसे इस तरह से भूनेंगे
तो वो सारा पानी भी जल जाएगा और ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। बस 2-3 मिनट भूनेंगे, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसको फ्राई करना है, तो अगर कुक नहीं भी हुआ होगा तो उसमें कुक हो जाएगा। गोभी की कचौड़ी की फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। चलिए अब हम नई कढ़ाई लेते हैं जिसमें हम ऑयल डालेंगे और कचौड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। आटा हमारा तैयार हो गया है, अब हम इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और एक लोई बना लेंगे। इस तरह से हाथों से आप फैला लीजिए, चाहे तो आप थोड़ा बेलन से भी बेल सकते हैं। ये गोभी का जो बैटर हमने बनाया है, गोभी की जो फिलिंग बनाई है हमने, वो इसमें फिल कर देंगे। चारों तरफ से इसको अच्छे से सील कर देंगे, बंद कर दिया हमने इसको। बहुत पतला हमने इसको नहीं रखना है क्योंकि ये कचौड़ी है, इसलिए थोड़ी सी फूली फूली आनी चाहिए। इस तरह से आप देखिए, इतना ही हमने इसको मोटा रखना है और इसको बेलना नहीं है। अब हमें हाथ से हल्का हल्का प्रेस कर दीजिए जिससे इसकी जो अंदर एयर होगी वो निकल जाएगी। और इसी तरह से हम अपनी सारी कचौड़ियों को बनाकर रख लेते हैं। इसको बेल के जितनी स्पाइसी इसे बनाना चाहें आप अपने मसाले इसमें ज़्यादा बढ़ा कर डाल सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा मसाले कम कर दीजिए। इसको भी मैंने इसी तरह से बना कर रख लिया है और इस तरह से इसको थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर दिया है। देखिए चारों तरफ से अच्छी है, कहीं से फटी हुई भी नहीं है और एक साइज़ की आ रही है। लीजिए मैंने सारी कचौड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, चेक कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, वैसे होने ही वाला है तेल। लीजिए तेल हो गया है, अब हम इसमें अपनी कचौड़ियाँ डाल देते हैं। एक बार में जितनी आ जाएंगी हम उतनी डाल देंगे। मैंने ये आटे की कचौड़ी बनाई है, आप चाहें तो मैदा भी यूज कर सकते हैं। बीच बीच में इनको थोड़ा पलटते भी रहिएगा और अब हमें गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। और ये देखिए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन तलकर तैयार हो गई है। इनका आप रूप देखिए, खुशबू दूर तक जा रही है। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ एक बार और हल्का फुल्का थोड़ा सा और सेक लेती हूँ। ऑलमोस्ट डन, एक बार पलट के हम फिर से वापस एक बार कर लेते हैं और लगभग ये सेक कर तैयार हो गई है। अच्छी तल रही है, मीडियम हीट पे ही सेकिएगा जिससे अंदर तक अच्छे से सिक जाए।
कर बिल्कुल सुनहरी हो जाए। अब मैं इनको एक एक करके आराम से कढ़ाई से बाहर निकाल लेती हूँ। इसी तरह से हमने पहले की तरह से ये वाली कचौड़ियों को भी हमने तल लिया है और ये भी देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई है। अच्छे से अंदर तक सिक जानी चाहिए। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ, गैस ऑफ कर देती हूँ। जी हमारी कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है, अब मैंने सर्व करती हूँ। गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। मैंने इसे दही के साथ और आम के अचार के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो इसे सॉस के साथ या चटनी के साथ किसी भी तरह से आप इसको जैसे भी पसंद करते हो वैसे आप खा सकते हैं। और अब इसकी रेसिपी कैसी लगी अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अब मैं मिलूँगी आपसे अगली डिश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।